आईसीएससी क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के सीआईएससी के सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन को लेके कई इम्पोर्टेंट बातें अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बोली गई हैं दोस्तों। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आपके टाइप 3 और टाइप 4 के अंतर्गत सीआईएससी के चीफ गैरी एराथून के हवाले से भेजा गया था और सीआईएससी ऑफिशियल सर्कुलर से निकाला गया था दोस्तों, उनके बारे में ये बातें साफ साफ बोल दी गई हैं कि सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के कंपेयर में अच्छे आएंगे दोस्तों, उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट से पहले जो नवंबर दिसंबर में 2021 में दोस्तों आपके सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया था, उनमें कुछ बच्चों के नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए थे जितना बच्चों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो दोस्तों, उसके लिए आईएससी क्लास 12th एंड आईसीएससी क्लास 10th के आपको दोस्तों इम्प्रूवमेंट का भी मौका मिलेगा। इस चीज़ों के बारे में भी सीआईएससी ने डिस्कस किया है और ये बातें बोली हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये इम्प्रूवमेंट दोस्तों हालांकि आपके सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आने के बाद और सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद और जब दोनों को कंसीडर कर लिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद ही आपके इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। अब मार्क्स कम आए थे कुछ स्टूडेंट्स के सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपके मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या देखिए इंग्लिश 1 पेपर या इंग्लिश पेपर 2, क्योंकि वो आपका कंपलसरी हो जाता है, इन सब चीज़ों में दोस्तों आपके लिए ग्रेस मार्क्स जरूर दिए जाएंगे, चाहे उसको स्टेप मार्क्स कह लीजिए चाहे ग्रेस मार्क्स कह लीजिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में आपको ग्रेस मार्क्स जरूर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार आपके वेरिएशन को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सीबीएसई के इसी हवाले के चलते आज के सीआईएससी के चीफ गैरी एराथून ने इन बातों को अनाउंस कर दिया है कि दोस्तों वो अपने सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन को आईएससी क्लास 12th एंड आईसीएससी क्लास 10th के एग्जामिनेशन को उसी पैटर्न में फॉलो करेगा जो कि सीबीएसई फॉलो कर रहा है। आप देख लीजिए, चाहे आने वाले विगत कुछ दिनों में सीआईएससी अपने न्यू नोटिफिकेशन में इन बातों को साफ कर देगा कि वो दोस्तों आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के वेरिएशन को बढ़ाने की पूरी बातें कर रहा है। वो चाहता है कि आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन का वैल्यूएशन बढ़ जाए क्योंकि दोस्तों सीबीएसई हर बार 90% प्लस मार्क्स देता है अपने सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में या सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में, तो सेम चीज़ दोस्तों सीआईएससी भी फॉलो करता है, आपको मालूम होगा सेम पैटर्न में सीबीएसई भी रन करता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को जब आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की कंबाइंड मार्कशीट आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि फीस के बारे में अभी भी कोई बातें क्लियर नहीं की गई हैं कि सीआईएससी कितना पैसा चार्ज करेगा आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के इम्प्रूवमेंट को मिला के। अब दोस्तों ये तो जब कोई ऑफिशियल सर्कुलर मिलेगा तभी इसके बारे में कोई न्यू नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पे आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस को अधिक से अधिक लाने की प्लानिंग सीआईएससी में है क्योंकि दोस्तों इसको अपने वैल्यूएशन की चिंता है। सीआईएससी चाहता है कि हम भी सीबीएसई की तरह 90% प्लस मार्क्स दें बच्चों को, जो कि रिजल्ट में काफ़ी अच्छी बातें रहें बच्चों के लिए, साथ ही साथ हमारे स्कूल बोर्ड के लिए भी। इसी वजह से दोस्तों सीआईएससी के चीफ गैरी एराथून ने टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में जो बातें अपने सीबीएसई के सभी स्कूल के एफिलिएटेड प्रिंसिपल्स को बोली थी, उनमें दोस्तों इस बातों को भी साफ कर दिया गया है कि सीआईएससी अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग में है और सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 90 प्लस आया है या 80% प्लस आया है, उनको फ्रंट में रख के दोस्तों उनको कंसीडर किया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे रेगुलरली कहते रहते हैं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव करिए क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है दोस्तों, इनकम्प्लीटेड सिलेबस है। पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हुई है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा रहा है, जिन बातों को लेके सीआईएससी इन बातों के हवाले से भी बातों को सोच रहा है क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बातों को खारिज कर दिया है कि वो सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन को ना तो कैंसिल करेगी ना ही वो ऑनलाइन मोड में लेने की अभी पूरी बातें चल रही हैं। अब दोस्तों पूरी तरह से बोर्ड पे निर्भर है कि वो क्या चाहता है। अब देखा जाए तो पूरा माहौल आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन को लेकर बना हुआ है।
और दोस्तों सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में आपके इंग्लिश पेपर वन और इंग्लिश पेपर टू को पूरी तरह से दोस्तों आपको उसको कंसीडर करना होगा, क्योंकि वो एक दोस्तों आपको ऑफिशियली ऐसा सिलेबस है, ऐसा सब्जेक्ट है कि वो ऑफिशियली तौर पे आपको उसको लीव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और हिंदी के सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स का दोस्तों सब्जेक्ट का पूरा टाइमिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे 15 मिनट्स आपको एग्जामिनेशन को पेपर क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने के बारे में भी बोला गया है। और दोस्तों जो आपकी कॉपी चेकिंग को लेके कई सारी बातें चल रही हैं आपके सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में, तो CISC ने भी इन बातों को बोला है कि इस बार आपकी जो कॉपी चेकिंग होने वाली है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, यानी कि जो भी कॉपी चेकिंग होने वाली है दोस्तों वो आपके स्कूल में ही आसपास आपके ज्वाइंट एरियाज में ही रहेगी, यानी कि इस बार आपके स्टेट के बाहर कॉपी चेक होने नहीं जाएगी। और दोस्तों पूरी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। कई बच्चे इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि सर सेमेस्टर वन में ग्रेस मार्क्स हमको उतना अच्छा नहीं मिला था जितना हमने सोचा था, लेकिन मिला था। तो दोस्तों इस बार CISC को CBSE को और गवर्नमेंट को ये बातें पता है कि किस माहौल में पढ़ाई हुई है, किस सिचुएशन में बच्चों ने तैयारी की है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आपके सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिले, ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है बना के, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड पूरी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके सेमेस्टर टू के रिगार्डिंग कुछ ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए आई हुई हैं, उनके बारे में भी हमने वीडियो बना दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस पर जाके क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों वन एंड ओनली एक ही बातें बची हुई हैं कि आप अपने सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में पूरा फोकस करिए, क्योंकि सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन और आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को मिला के दोनों नंबर को काउंट करके ही दोस्तों आपके सेमेस्टर टू की मार्कशीट बनेगी, और उसके बेसिस पे ही आपको नंबर अनाउंस होगा, उसके बेसिस पे ही आपको नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिन बच्चों का नंबर सेमेस्टर वन में कम आया है वो पूरी कोशिश करें कि वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ सेमेस्टर टू के होने वाले एग्जामिनेशन में दोस्तों अच्छी तैयारी के साथ पेश हों और पूरी तैयारी के साथ जाएं, सिलेबस को दोस्तों अच्छे से रिकवर कर लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि CISC भी बातें बार बार अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोल रहा है कि दोस्तों आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।